माइनक्राफ्ट बेटा 1.16.210.56 आ गया है नए केव्स एंड क्लिफ्स के अपडेट के साथ। क्या आया है इस अपडेट में, लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और रेस्टोन कम्युनिटी को फाड़वाने वाली चीज़ जो है इस अपडेट में आ गई है। सो वी आर इन आवर टेस्टिंग वर्ल्ड, यहाँ मैंने बेटा लिखा है, छोड़ो। हाँ, सो इफ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब, मुझे बहुत देर लगी है इसको डिज़ाइन सोचने में, छोड़ो। अब मुद्दे पे आते हैं, अब इस अपडेट में क्या ऐड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस अपडेट में ऐड किया है ड्रिपस्टोन। यप, ड्रिपस्टोन अभी तो एक क्रिएटिव इन्वेंट्री में ही है, ज़्यादा तो नहीं नेचुरल जनरेट नहीं होता, हम ऐसे ऊपर और नीचे यहाँ ऐसे लगा सकते हैं और ये वर्ल्ड हाइट तक हम ऊपर लगा सकते हैं, सो नो लिमिट्स। ओके, अभी तो इस बेटा में तो अभी फ्यूचर का मुझे पता नहीं। सो अब मैं बताता हूँ कि ये जो ड्रिपस्टोन है, इस ड्रिपस्टोन को हम ऐसे नीचे लगा सकते हैं, इस नीचे लगाने के बाद ये ऐसा कनेक्टिंग जो है टेक्सचर जो है वो आता है। सो या हम क्राउच कर जावा एडिशन में जैसा लगा सकते हैं वैसा नहीं लगा सकते, क्राउच कर लगाया तो वो कनेक्ट नहीं होता, जावा एडिशन में है, अभी तक बेडरॉक में नहीं है, दैट्स ओके। सो या अब गाइस अब आते हैं एक मेन चीज़ पे, पॉइंटेड ड्रिपस्टोन के, वो चीज़ है डैमेज। सो पॉइंटेड ड्रिपस्टोन जो है वो हमें डैमेज करता है या किसी भी मॉब को, एंटिटी को डैमेज करता है उसके हाइट के अनुसार। सो एज यू कैन सी उसने डैमेज किया पर इसकी हाइट बहुत ऊपर है, उसने इंस्टेंटली किल कर दिया एज यू कैन सी। सो इस बाय माई टेस्टिंग कि ये जो है उसके हाइट के ऊपर डिपेंडिंग है, जैसे हमने यहाँ नीचे लगा दी अब तो देखते हैं कितने लगेंगे, मतलब बहुत सारे शॉट्स जो है वो लगते हैं फिर भी मरता नहीं ऑब्वियसली। सो वो हाइट के ऊपर जो है डिपेंडेंट है, तुमने बहुत ऊपर तुमने लगाया तो वो ज़्यादा डैमेज करेगा, नीचे लगाया डिपस्टोन तो कम डैमेज करेगा। इससे हम एक चीज़ भी बहुत ओपी चीज़ कर सकते हैं, वो है विदर को मार सकते हैं, क्योंकि बाय माय टेस्टिंग अभी तो मैं नहीं दिखा सकता पर बाय माय टेस्टिंग 20 हिट्स में विदर मर जाएगा और प्लेयर को भी डैमेज करता है एज यू कैन सी। और एक ख़ास चीज़ ड्रिपस्टोन की कि मैं यहाँ लगा पाऊँ तो मैं दिखाऊँगा, भाई लग जाना क्या कर रहा है, तो मैं यहाँ लगा पाऊँ तो मैं दिखा सकता हूँ। एक और ख़ास चीज़ है ड्रिपस्टोन की जिससे हम जो है इन्फिनिट लावा सोर्स बना सकते हैं। सो यप एज यू कैन सी हियर कि हमने ऊपर जो है वो लावा रखा है इसके, और यहाँ जो है उसके ऊपर जो है हमने पानी रखा है, तो ऐसे पार्टिकल्स जो है एनिमेशन दिखेगा और इवेंचुअली एज यू कैन सी वाटर के भी पार्टिकल्स दिखे तुम्हें, इवेंचुअली ये कोल्ड्रन्स जो है वो भर जाएंगे, पर अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये भरेंगे क्योंकि दिस इज बेडरॉक, बेडरॉक में बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं। अब आते हैं मेन चीज़ पे, वो है स्कल्क सेंसर्स, आई होप आई प्रोनाउंस इट करेक्टली, आई डोंट नो। सो स्कल्क सेंसर्स क्या होते हैं, वो वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं, अभी तो थोड़े ही वाइब्रेशंस ऐड किए, बहुत सारे नहीं ऐड किए, जैसे हम हिले तो स्कल्क सेंसर डिटेक्ट करते हैं या बहुत सारी चीज़ें, पर अभी स्टिल डेवलपमेंट में है ये सच पहले जो है रिमेंबर कर लो, क्योंकि डेवलपमेंट स्टेज में बहुत सारे बग्स होते हैं और ये बेडरॉक एडिशन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सो एज यू कैन सी हियर मैं मूव कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, ये जो है वो डिटेक्ट करता है, इसका एक कूल डाउन होता है एज यू कैन सी, जब ये होता है ना ऐसे ब्लू कलर में तो ये हम कितना भी कुछ भी करें डिटेक्ट नहीं होगा। सो एज यू कैन सी हियर इसकी भी एक रेडियस होती है
समझ लो, ये एट ब्लॉक रेडियस, 8 ब्लॉक रेडियस का एक सर्कल है, अभी तो एक सर्कल नहीं है, समझ लो ना तुम, एट 8 ब्लॉक रेडियस का एक सर्कल है। इस सर्कल का मैं सेंटर हूँ, ऐसा समझ लो। और उस सर्कल में ही जो है उसका सेंसर जो होंगे वो मोशन को डिटेक्ट कर पाएंगे, एज यू कैन सी। मैं सर्कल तो नहीं बनाया, मैंने सिर्फ टाइम पास किया है, पर एज यू कैन सी यू अंडरस्टूड राइट आई होप। एक और चीज़ जो कि ये जो स्कल्क सेंसर है वो एक फ्रीक्वेंसी में रेस्टोन का आउटपुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, पता चल जाएगा तुम्हें बाद में वीडियो में, क्योंकि ये जो है एक डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी में जो है आउटपुट करते हैं रेस्टोन सिग्नल को। एज यू कैन सी मैंने एक 15 जो है ऐसे लैम्प्स लगा दिए हैं। इफ़ आई वॉक, नो, इफ़ आई जंप, इट गिव्स रेस्टोन सिग्नल ऑफ 5। ओके, मैंने जंप किया तो एक 5 टिक्स का रेस्टोन, 5 टिक्स नहीं, 5 लेवल का रेस्टोन सिग्नल देता है। इफ़ आई थ्रो एनी प्रोजेक्टाइल, मतलब कौन सा भी एरो हो, स्प्लैश पोशन वगैरह हो, मैंने कुछ भी फेंका तो एज यू कैन सी इट गिव्स रेस्टोन सिग्नल ऑफ 7 आई गेस। इफ़ आई मूव और वॉक, इट गिव्स रेस्टोन सिग्नल ऑफ 1। इफ़ आई प्लेस अ ब्लॉक, इट गिव्स रेस्टोन सिग्नल ऑफ 12। इफ़ आई ब्रेक अ ब्लॉक, इट गिव्स रेस्टोन सिग्नल ऑफ 13, एज यू कैन सी। अभी बाय माई टेस्टिंग इतने ही मूवमेंट्स को जो है वो कैच कर लेता है। और इलेक्ट्रा से तुम फ्लाई करोगे इसके आजू बाजू में तो भी ये रेस्टोन सिग्नल का आउटपुट देता है, पर मैं अभी तो एक करके नहीं दिखाने वाला। अब मैं बता तो जो दो बैड न्यूज़ जो है वो बैड न्यूज़ अब मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वायरलेस रेस्टोन अभी तो पॉसिबल, काइंड ऑफ पॉसिबल है, काइंड ऑफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रैप डोर डिटेक्शन अभी हो नहीं रहा, फेंस फेंस गेट्स का भी डिटेक्शन वो कर नहीं रहा, फेंस गेट या ट्रैप डोर या कौन सा भी डोर हम ओपन क्लोज करें तो डिटेक्ट नहीं करता स्कल्क सेंसर। जावा में होता तो वो सेंसर जो होते हैं वो डिटेक्ट करता और एक इनफाइनाइट लूप तैयार होता। बेडरॉक में अभी तो नहीं हो रहा, पर और एक चीज़ कि वूल ऑक्लूजन, वूल ऑक्लूजन क्या है कि वूल से हम इस हमारे वाइब्रेशंस को स्कल्क सेंसर्स तक पहुंचने से हम रोक सकते हैं, जिससे बहुत सारे कंट्रैप्शंस जो है ओपी तरीके से बन सकते हैं। मैं यहाँ पूरे स्कल्क सेंसर को घेर लेता हूँ वूल से। फिर भी एज यू कैन सी द पार्टिकल्स जो है वो स्कल्क सेंसर तक हमारे सिग्नल पहुंचते हैं और एक्टिवेट होता है। हम जावा एडिशन पे होते हैं तो ये नहीं होता। क्या कर सकते हैं हम, ये बेडरॉक एडिशन है, अभी तक वो ऑक्लूजन ऐड नहीं किए, बट स्टिल रिमेम्बर गाइस, दिस इज डेवलपमेंट स्टेज, ज़्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मैंने एक यहाँ एक कंट्रैप्शन बनाए, एज यू कैन सी हमने मूव किया तो ये एक सॉन्ग प्ले करेगा। नाइस। क्या बनाया भाई मैंने। ओ भाई, तुम पूछोगे कि मैंने क्या मॉन्स्ट्रोसिटी बनाई है। मैं टेस्ट कर रहा था इसको, स्कल्क सेंसर्स को, तो मैं यहाँ डिले थोड़ा कम ज़्यादा कर देता हूँ। मैं बताता हूँ ये क्या हो रहा है। ये रेस्टोन सिग्नल इसको पावर करता है स्कल्क सेंसर्स को, और स्कल्क सेंसर आउटपुट करता है एक सिग्नल को, और ये एक ऐसा सॉन्ग प्ले करता है एज यू कैन सी देयर, और इस फेंस गेट को भी एक्टिवेट करता है। और जब ये रिपीटर इस नोड ब्लॉक को पावर करता है तब वो पिस्टन जो है मूव करता है, और
यहाँ से एक सिग्नल जा रहा है इस डर्ट ब्लॉक पर, और डर्ट ब्लॉक इस पिस्टन को पावर कर रहा है एग्जैक्ट टाइम पर जब ये पिस्टन, नोट ब्लॉक वाला पिस्टन जब यहाँ आता है, और एग्जैक्ट टाइमिंग पर ये भी रिट्रैक्ट हो जाता है एज यू कैन सी। सो वेल, इस रेडस्टोन ब्लॉक से मैं दो चीज़ें कर रहा हूँ। इस आखिर की जो डिंग आपको सुनाई दे रही होगी उस डिंग को भी इसी से कन्वर्ट कर रहा हूँ। सब टाइमिंग की चीज़ है, बस मेरे टेस्टिंग थी। वेल, हम इसे ज़्यादा एडवांस भी बना सकते हैं, लेट्स गो। सो एज यू कैन सी देयर, मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा रेडस्टोन टिक्स का मतलब डिले विले का बहुत ज़्यादा कोशिश कर मैंने इसको ऑटोमेटिक करने की कोशिश की। ओ, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। वेल, हाँ, उसके कूल डाउन को ज़्यादा डिले चाहिए। ओके, मुझे पता नहीं गाइस तुमको समझ आ रहा है या मैं क्या बोल रहा हूँ, पर वेल, इसका एक कूल डाउन होता है, उस कूल डाउन का डिले करना चाहिए। मैं थोड़ा और ज़्यादा डिले यहाँ मतलब टाइमिंग ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ कॉमन में बता दूँ तो, एज यू कैन सी देयर। और अब एरो एग्जैक्ट टाइमिंग पर जब स्कल सेंसर का काउंटडाउन एंड होता है तो एरो एग्जैक्ट टाइमिंग पर शूट होता है और स्कल सेंसर को एक्टिवेट करता है। रॉकेट फटने का जो आवाज़ है उसको पता नहीं चलता स्कल सेंसर को, अपेरेंटली मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, पर सिली, दिस इज सो सिली, क्या कर सकता हूँ मैं खुद को रोक नहीं सकता ऐसे काम करने से। सो वेल, आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। मैं अगले एपिसोड में मैं स्कल सेंसर्स के बारे में थोड़ी रिसर्च करने कर अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो वेल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पहले सब्सक्राइब करो लीव करने से पहले।